नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो है सरोगेसी के बारे में और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में, और हम ये भी देखेंगे कि समय के साथ साथ क्या परिवर्तन आए हैं सरोगेसी के पूरे मुद्दे पर और कानून में हमारे देश में। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि सरोगेसी आखिर होती क्या है। देखिए, सरोगेसी उन कपल्स या दाम्पत्य के लिए अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खुद माता पिता बनने में सक्षम नहीं हो पाते। लेकिन देश में सरोगेसी के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण इसका पूरा जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, उसका व्यवसायीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन होता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा और ज्यादातर जो खराब असर है वो एक सरोगेट माँ पर पड़ता है, क्योंकि लाजमी सी बात है कि यहाँ सरोगेट माँ का शोषण हो सकता है। देखिए, हमारे यहाँ या किसी भी समाज में माँ बाप बनने को या एक बच्चे को दुनिया में लाने को एक बहुत अहम भूमिका पर रखा जाता है, लेकिन कई बार खुद से एक दाम्पत्य, एक कपल के लिए ये करना मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की परेशानी एक बड़ी कठिनाई है। यहाँ तक कि WHO की रिपोर्ट में भारत को भी मिला के 10-15% कपल्स तक दुनिया में हैं मौजूद जो बांझपन से जूझ रहे हैं। और विश्व की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा, आप खुद सोचिए कि इनफर्टिलिटी से गुजर रहा है। अब पहले तो ऐसे कपल्स के पास सिर्फ ये रास्ता होता था कि वो एक बच्चे को गोद ले लें। धीरे धीरे तकनीकी तरीके आ गए और अब सरोगेसी का विकल्प भी उनके पास आ चुका है। इस प्रक्रिया में एक कपल होता है जो खुद से माता पिता बनने में असमर्थ होता है, और इस वजह से एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है और माता पिता को सौंप देती है, और उनको उस बच्चे का पालन पोषण करना होता है। दिसंबर 2021 में पार्लियामेंट यानी संसद ने दो कानूनों को पारित किया, जिनका नाम था सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट एंड द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट। तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट भारत में सरोगेसी की प्रक्रिया और प्रथा को नियंत्रित करता है, और द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के जो क्लिनिक होते हैं, यानी शायक प्रजनन तकनीकी के जो क्लिनिक होते हैं या बैंक होते हैं, उनका रेगुलेशन और सुपरविजन करता है। सरोगेसी रेगुलेशन अधिनियम ने मौजूदा सरोगेट माताओं की भलाई के लिए लागू होने से ही उन्हें 10 महीने का जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भधारण पीरियड प्रदान किया है। इन कानूनों को जल्द ही भारत के राष्ट्रपति की अनुमति मिली और द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट जनवरी 2022 से लागू हो गया। अब याद रखें कि भारत में कमर्शियलाइज यानी व्यवसायीकरण होने वाली जो सरोगेसी होती है, पैसे के लिए किए जाने वाली जो सरोगेसी होती है, उसकी अनुमति नहीं है। इसे बस एल्ट्रुइस्टिक यानी परोपकारी कारणों के लिए किया जा सकता है, उसी की अनुमति है। और जो लोग इस कानून के अंतर्गत सरोगेसी का लाभ उठाना चाहते हैं, उन पर कई और प्रतिबंध भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो दो कानून हैं, इनमें कहा गया है कि ये भेदभाव करते हैं एक सिंगल यानी अकेले आदमी के खिलाफ जो कि पिता बनने की इच्छा रखता हो, या एक शादीशुदा औरत के खिलाफ जो अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहती हो लेकिन पहले से उसके पास एक बच्चा हो। और यही बात आगे रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में इस वक्त एक याचिका पेंडिंग है यानी लंबित है। सरोगेसी रेगुलेशन अधिनियम के अंतर्गत सिर्फ एक ऐसा विवाहित जोड़ा जेस्टेशनल यानी गर्भवती सरोगेसी का लाभ उठा सकता है जिसकी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन यानी चिकित्सा की स्थिति हो जिसकी वजह से वो माता पिता नहीं बन पा रहे। लेकिन इसके लिए उन्हें पहले जिले के मेडिकल बोर्ड से सरोगेसी सुझाते हुए एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, और साथ ही उस सर्टिफिकेट को सही अथॉरिटी के पास जमा करना होगा। एक इच्छुक महिला जो कि विधवा हो या उसका तलाक हो चुका हो या उसकी उम्र 35 से 45 के बीच में हो, वो भी सरोगेसी लाभ उठा सकती है। लेकिन जेस्टेशनल सरोगेसी की जरूरत पड़ने वाली मेडिकल कंडीशन यानी चिकित्सा या स्थिति आखिर होती क्या है, कौन सी सिचुएशन में वो कर सकते हैं? देखिए, एक महिला सरोगेसी का इस्तेमाल तब कर सकती है जब उसके पास एक यूटेरस नहीं हो, या यूटेरस में कोई परेशानी हो, या किसी और मेडिकल कंडीशन या चिकित्सा की स्थिति में जैसे कैंसर हो गया या कोई सर्जरी हुई उसमें ऑपरेशन करके उसका यूटेरस निकाल दिया हो, या कोई इच्छुक दाम्पत्य सरोगेसी के लिए आगे तब जा सकते हैं जब कई बार कोशिश करने के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे यानी गर्भधारण नहीं कर पा रहे, वो प्रेग्नेंट होने में असमर्थ हैं, या फिर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव तरीके ART इस्तेमाल करने के बाद भी वो गर्भधारण नहीं कर पा रहे। अगर ऐसी कोई महिला है जिसे कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो मां नहीं बन सकती है या गर्भधारण नहीं कर सकती है, तो भी वो इस तरीके का यानी सरोगेसी का इस्तेमाल कर सकती है। कोई भी इच्छुक दाम्पत्य या कपल जो कि सरोगेसी का विकल्प अपनाना चाहता है, उनमें महिला की उम्र 23 से 50 वर्ष होनी चाहिए और पुरुष की उम्र 26 से 55 वर्ष होनी चाहिए। वही दाम्पत्य ऐसा कर सकते हैं जिनकी पहले से खुद से या गोद लेने की वजह से कोई और बच्चे ना हो, या सरोगेसी की वजह से पहले से कोई बच्चे ना हो। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन यानी छूट मिली है उन कपल्स या दाम्पत्यों को जिनके बच्चों को कोई मानसिक या शारीरिक तकलीफ है या जानलेवा बीमारी है। लेकिन एक सरोगेट मदर बन कौन सकती है? देखिए, एक शादीशुदा औरत जिसका खुद का एक बच्चा हो और उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच में हो, एक सरोगेट मदर बन सकती है। लेकिन जीवन में सिर्फ एक ही बार और सिर्फ 3 कोशिशें मिलेंगी यानी सिर्फ 3 ट्रायल मिलेंगे उस प्रक्रिया के साथ।
उस औरत को अपनी लिखित मर्जी देनी होगी और चिकित्सा के तौर पर मानसिक तौर पर उसे बिल्कुल स्वस्थ होना होगा। जेस्टेशनल सरोगेसी में सरोगेट माँ को बच्चे से जेनेटिक तौर पर जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही वो अपने खुद के गैमीट्स या अपना खुद का ओवा दे सकती है सरोगेसी के लिए। साथ ही उन लोगों को सरोगेट माँ के लिए एक 36 महीने का हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा, जिससे कि बच्चे को जन्म देने के बाद अगर किसी तरह की परेशानी आई या कठिनाई आई तो उसका खर्चा निकल पाएगा और स्वास्थ्य की भी देखरेख बनी रहेगी। उसके अलावा कोई और खर्चा सरोगेट माँ को या सरोगेसी के लिए किसी और को नहीं दिया जा सकता। माता पिता बनने में इच्छुक महिला या दाम्पत्य सरोगेसी से हुए बच्चे को छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पर, और उस बच्चे को उनका खुद का बायोलॉजिकल यानी जैविक बच्चा ही माना जाएगा। अगर सरोगेसी को कमर्शियल यानी व्यवसायीकरण वाले तरीके से किया जाता है तो उसके लिए 5 साल तक की सजा है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके बाद भी अधिनियम की धाराओं का या प्रावधानों का अगर उल्लंघन होता है तो कई और सजाएं और कई और कारावास इसके बारे में मौजूद हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रही है हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे, और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।